नमस्कार, न्यूज 44 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। आज बाबरी मस्जिद की विध्वंस की बरसी है, जिसको देखते हुए अयोध्या में हाई अलर्ट कर दिया गया है। यह अलर्ट न केवल अयोध्या बल्कि मथुरा में भी किया गया है। दोनों ही जगहों पर कड़ी सुरक्षा कर दी गई है और ड्रोन से पूरे क्षेत्र में निगरानी की जा रही है। इस कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों ही शहरों में पुलिस ने किसी भी आयोजन की अनुमति नहीं दी है। शहर में एंट्री करने वाली सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। वहीं बाबरी मस्जिद के विध्वंस की आज बरसी है, तो ऐसे में उम्मीद है कि मथुरा और अयोध्या, जहां यूपी की दो सबसे प्राचीन मस्जिद है और जिन पर विवाद भी चल रहा है, ऐसे में एक बार फिर से दंगे भड़कने की आशंका है। इसलिए पुलिस खास तौर पर हिंदूवादी संगठनों पर नजर रखने वाली है। दोनों ही धर्म स्थलों के बीच के 300 मीटर के क्षेत्र पर पुलिस खास तौर पर कड़ी निगरानी रखेगी। वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह परिसर में आज लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करने और हनुमान चालीसा पढ़ने की अनुमति मांगी है, जिसे देखते हुए मथुरा प्रशासन ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है, जिसके तहत 5 से ज्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठा होकर सभा, धरना या कोई भी प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। जानकारी के लिए बता दें कि 6 दिसंबर 1996 में अयोध्या के बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। करीब 30 साल पहले राम मंदिर में सांकेतिक नींव रखने के लिए उमड़ी भीड़ ने बाबरी मस्जिद को ढह दिया था। इस घटना के बाद पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी थी। 1996 में घटी ये घटना इतिहास में दर्ज की गई थी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर के निर्माण में लगे विराम को मंजूरी दे दी गई थी। तो अभी के लिए केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 44।